Friends presents E for English हिंदी में लेसन टू। नमस्ते दोस्तों, चलिए नाक बंद करके डुबकी मारते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं। मनोज जी, एक क्विक क्विज, देखते हैं क्या आप इन इंग्लिश शब्दों को पहचान सकते हैं। रेडी? रेडी। नेम? नाम। करेक्ट। पेन एंड पेपर? कलम और कागज। चेयर? कुर्सी। एब्सोल्युटली, थैंक यू। शुक्रिया। सॉरी, माफी मांगना। ट्रेन? रेलगाड़ी। बस? बस ही कहते हैं। फोन? फोन। इंग्लिश आपके लिए कोई नई लैंग्वेज नहीं है, आप अपने चारों तरफ इंग्लिश सुनते और पढ़ते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स, हेडलाइंस, व्हाट्सएप से लेकर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन तक। तो ऐसा मानिए कि आप अपने पड़ोसी को पहचानते तो हैं, मगर उन्हें जानते नहीं हैं। इंग्लिश को वैसे ही एक पड़ोसी समझिए। कविता जी, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आई यानी मैं, वॉन्ट टू यानी चाहना या चाहता, लर्न यानी सीखना। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। वेरी गुड। और अगर आपको तमिल सीखना हो तो क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू लर्न तमिल। और अगर आपको ड्राइविंग सीखना हो तो? आई वॉन्ट टू लर्न ड्राइविंग। वेरी गुड मनोज। इसी तरह सीखे हुए वर्ड्स को अलग अलग बातों के लिए यूज करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आई विल लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखूंगा या सीखूंगी। आई विल लर्न इंग्लिश। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आई विल लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों, मनोज तो पूरे जोश में है, लगता है वो बहुत जल्द इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। आप भी चालू हो जाइए। वी विल लर्न इंग्लिश। वी इज इक्वल टू हम सब। वी विल लर्न इंग्लिश। बाय। Trends, get them talking.